हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 12 करोड़ की लागत से बनेगा शहर में सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम। निर्माण को लेकर DPR तैयार करने का कार्य शुरू। तालेडी नदी के संरक्षण के लिए भी 6 करोड़ रुपए स्वीकृत। शहर में ऑडिटोरियम की मांग और कमी को दूर करने को लेकर नगर परिषद की ओर से कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसको लेकर 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ऑडिटोरियम की DPR तैयार करने का कार्य भी शुरू हो चुका है। नगर परिषद सभापति अशोक टाक ने बताया कि शहर में होने वाले विभिन्न आयोजनों में एक सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम की कमी खलती है। वहीं शहरवासी भी लंबे समय से यहां ऑडिटोरियम निर्माण की मांग लंबे समय से उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे गंभीरता से लेकर नगर परिषद के शपथ ग्रहण को लेकर हुए संवाद समारोह में भी विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी व प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना की मौजूदगी में निर्माण कार्य को लेकर घोषणा की गई थी। इस घोषणा को पूरा करने को लेकर अब कार्यवाही शुरू करते हुए शहर में 12 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम के निर्माण को लेकर DPR तैयार करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर तक राजमार्ग के सीधे पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्ग के तहत झील में होकर वेटेड रोड निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति होने के साथ ही DPR तैयार की जा रही है। वहीं तालेडी नदी के संरक्षण के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये दोनों कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से होगा निस्तारण। सभापति अशोक टाक ने बताया कि शहर के सभी वार्डों के आवासीय व वाणिज्य क्षेत्रों से घर घर कचरा संग्रहण का कार्य 20 ऑटो टिपर से किया जाकर शत प्रतिशत क्षेत्र में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत शहर की सुचारू सफाई व्यवस्था के लिए आवंटित की गई वाहन मशीनरी 14.0 घन मीटर क्षमता की कॉम्पैक्टर मशीन माई ट्रक, 8,500 लीटर क्षमता की सीवर जेटिंग मशीन माई ट्रक, 2,000 लीटर क्षमता की सीवर सक्शन मशीन माई ट्रक, वैक्यूम रोड स्पीयर मशीन माई ट्रक, कुल लागत 1,53,00,000 रुपए के साथ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। संग्रहित कचरे से कंपोस्ट एवं RDF बनाया जाएगा। साथ ही पुराने पड़े कचरे का भी बायो रेमेडिएशन कर निस्तारण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 8,90,00,000 रुपए का है। 3 इंदिरा रसोई से करीब 2,00,000 लोगों को अब तक करवाया भोजन। शहरी क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ अगस्त 2020 में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत नगर परिषद राजसमंद के शहरी क्षेत्र में 3 इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिनमें अब तक 1,81,198 व्यक्तियों को लाभान्वित कर भोजन उपलब्ध करवाया गया। साथ ही कोरोना अवधि में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवाया गया था। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।